नेतृत्व में लड़ना पसंद करेंगे कि नहीं? जैसे देखिए ये बात हम कौन होते हैं कहने वाले, जब ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब महागठबंधन के नेता लोग बैठेंगे, तो जिस प्रकार से आज बात हम लोग कर रहे हैं उसी समय डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन उसके नेता होंगे। तो इसलिए हम अगर कहेंगे तो हमारी बात हो जाएगी, और कोई भी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो उनकी अपनी बात है, महागठबंधन की बात नहीं है। इसलिए इस पर हम नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं यही कि हाँ, हम जैसा कि कहा है, आप लोग भी सुने होंगे कि अगर हम लोग इस स्थिति में हैं तो ज़रूर कहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कोई शेड्यूल कास्ट हो, कोई मुसलमान हो, कोई अति पिछड़ा हो, तीन सीट रहेंगे, दो उप मुख्यमंत्री का और एक मुख्यमंत्री का, और ये तीनों पद में एक महिला भी होगी, चाहे महिला शेड्यूल कास्ट से हो या अति पिछड़ा से हो या मुसलमान से हो, तो ये हमारे पार्टी का सिद्धांत है। लेकिन इस बात को ग्राह महागठबंधन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा ये बात नहीं, हम अपना अप्रोच करेंगे, और महागठबंधन की बैठक होगी उसमें तय अगर दूसरी बात भी होगी तो हम उसके निर्णय के आलोक में जो है सब काम करेंगे। तो जीतन राम मांझी व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी के चेहरे के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार नहीं? सो बात नहीं है, हम तो तेजस्वी के प्रशंसक रहे हैं। जब हम NDA में थे और ये लोग महागठबंधन में थे, उस समय से हम तेजस्वी प्रसाद के प्रशंसक में हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम अकेले कहेंगे तो उचित नहीं है। ये महागठबंधन में इसी तरह से ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में PC में बातें हो जाएगी कि कौन हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा, लेकिन कुछ जिला छूट भी सकता है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे नंबर की। लेकिन हमारे सामने आज सभी जिला अध्यक्षों ने एक प्रस्ताव पेश किया है कि हम लोग कितने कॉन्फ्रेंसी में मजबूत हैं, वैसे वैसे में अभी जो हमारे सामने लिस्ट आई है उसमें करीब करीब 80-85 सीट ऐसे हैं कि जहां पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपने भी चुनाव लड़ करके विजय प्राप्त कर सकता है या फिर दूसरे को सहयोग दे करके विजय प्राप्त करा सकता है। और हम जो बैठक करेंगे बूथ स्तरीय, निश्चित रूप में इस 80 और 85 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सबसे पहले करेंगे।